खिचड़ी। जय श्री। ओ आ गए कुटकुट कुमार। बोलो। जय श्री, ये बिस्किट कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या बात कर रहे हो? गटर में से निकाला तब तो ठीक ठाक था पैकेट। गटर में से? उस बदमाश कुत्ते के मुंह से झपटने गई तो पैकेट उछलकर गटर के पानी में गिर गया। अरे पर जाए। लेकिन मैंने गटर के पानी को ऐसे झटक के पैकेट को अच्छे से सुखाया था हेयर ड्रायर से। और ऐसे बिस्किट तूने मुझे खिलाए? अबे मैं तो आपको घर की पूरी भाजी ही खिलाने वाली थी, लेकिन आपकी फरमाइश थी। जय श्री, आज कुछ बाहर का खाने का मन कर रहा है, तू ले आई बाहर से? अरे पर मतलब बाबूजी। जय श्री बहन। बुरी खबर है। लो आ गया बुरी खबर लाने वाला डाकिया। क्या हुआ? जीजा जी को पुलिस ने पकड़ लिया। हाय लॉर्ड। अब कैसी है पुलिस? परेशान। क्यों? अंता भी है साथ में? हाँ। जयश्री ने कहा है कि ये हिमांशु के पेंटिंग के प्रदर्शन के पोस्टर लगाने हैं हमें। आप हमें मना कैसे कर सकते हैं हवलदार? है? हम भी इस देश के नागरिक है। वी आर ऑल्सो कोबरा रिक्शा। देखिए मिसेस पारेख, अब आप मुझे हवलदार बोलेंगे ना, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर ये कोबरा रिक्शा क्या है? कोबरा रिक्शा नागरिक का इंग्लिश, नागरिक, कोबरा रिक्शा। मैडम जो समझा, इस देश के नागरिक होने के नाते हमें पूरा अधिकार है कि हम जहाँ चाहे वहाँ पोस्टर चिपका सकते हैं मुंबई में। देखिए मिसेस पारेख, कहीं भी पोस्टर चिपकाने का अधिकार आम आदमी के पास नहीं होता। ये अधिकार तो बड़े बड़े नेता, खास हस्ती, जाने माने लोगों के पास है, जैसे ये जंगली मानव पार्टी के गंगाराम करप्ते, ये 10वीं परीक्षा में 37 पाने वाले जयेश जखमारू, और वो यामिनी ब्राइब टेकेकार, ऐसी सब महान पर्सनालिटी के पास। सॉरी 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 सॉरी, नहीं हो गया रफूल। पर्सनालिटी मतलब? पर्सनालिटी अरे वो हमारी कंचन मौसी, वो अपनी बेटी सोनाली को क्या कहती थी? कहती थी कि माना सोनाली के तू कॉफी नहीं पीती, पर सोनाली पी तो पी, पर सोनाली टी तो पी, पर सोनाली टी, पर सोनाली टी। अच्छा अच्छा, पर सोनाली टी। पर्सनालिटी मतलब? नहीं नहीं बस कर, तू मत समझा हमें, बस हमें पोस्टर लगाने दे। देखिए जहाँ जहाँ मैं आपको पोस्टर चिपकाने दे सकता था वहाँ वहाँ मैंने आपको पोस्टर चिपकाने दिए ना। अब इससे ज्यादा मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। बाय बाय। लेकिन अब हम क्या करेंगे प्रफुल्ल? व्हाट विल? मैं हूँ ना, मैं समझाऊंगा तुम्हें। अंता वीरो। हाँ जी। जय श्री प्रजाई जी चांदी है कि हिमांशु के पेंटिंग एग्जीबिशन के पोस्टर कोने कोने में लगने चाहिए, समझे? हाँ जी। चलो घर के अंदर और घर के एक एक कोने में ये पोस्टर लगा दो, एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए। तो हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। वीर जी, अब जयश्री पर जाएगी। एक और बात तो भूल ही गए। केड़ी? कि बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए कि हिमांशु की पेंटिंग एग्जीबिशन रविवार को है। ओ तेरी, ये तो मैं भूल ही गया। उनकी कोई गल नहीं वीर जी, मैं सारा इंतजाम कर लिया परमिंदर नाल मिलके। बच्चों आ जाओ, बोल के दिखाओ। रविवार को हिमांशु का एग्जीबिशन है। देखिए वीर जी, अब तो बच्चे बच्चे को पता चल गया कि हिमांशु की पेंटिंग एग्जीबिशन रविवार को है। चलिए अब अस्पताल चलते हैं वीर जी। अस्पताल क्यों वीर जी? वहां नए बच्चे भी तो पैदा हुए होंगे ना, उनको भी तो पता चलना चाहिए कि पेंटिंग एग्जीबिशन रविवार को है। मेरी लाडो कितनी सियाणी हो गई तू, सदके जाओ। चल चल चलो चलो। हो गया आंसर, देखो कितना सुपर लगाया है आपने प्रफुल्ल। चलो चलो। हाँ चलिए, पर अब हम कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, इस अस्पताल के सबसे बड़े डॉक्टर को न्योता देने जा रहे हैं। चलो। अच्छा चलिए चलिए। हेलो, हाउ आर, खाना खाके जाना हो? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब देखिए
मेरे साले का एग्जीबिशन है, आपको आना है वहाँ पे? ये क्या हो रहा है? एग्जीबिशन अभी तो मत आया लल्लू। अंचा ये देखो, ये क्या है? व्हाट इज? ये जेली है, जेली लाल लाल देखो। ऐसे हिल भी रही है नहीं? हाँ जेली। बेचारा कितना बड़ा टुकड़ा खा गया नहीं? हाँ अंशा, इसलिए तो खा के सो गया है, देखो ना। ये सोया नहीं है, वो बेहोश है। ये तो तू ऐसे धीरे धीरे क्यों बोल रहा है? अरे जोर से बोल, जोर से बोल। सोया नहीं है, वो बेहोश है। अरे वाह, अभी कितना सुपक बोला तू। और ये हार्ट है, जेली नहीं है, हार्ट। हार्ट प्रभु, हार्ट अंशा, फेफड़े। फेफड़े, फेफड़े। फेफड़े मतलब तो लंग्स, लंग्स। ऐसे क्या लॉन्ग्स लॉन्ग्स कर रहा है चक्रम? लॉन्ग्स मतलब तो साबुन। लॉन्ग्स सुप्रीम, फिल्मी सितारों का सदाबहार साबुन लॉन्ग्स। ए तुझे डॉक्टर किसने बनाया? सिफारिश। डॉक्टर, मरीज की जान खतरे में है। हाँ तो जान को खतरा तो होगा ही ना। डॉक्टर ने इनका सीना चीर के कैंची से कितने टुकड़े टुकड़े कर दिए, तो जान को खतरा तो होगा ही ना। अब चुप रहो एंड गेट आउट। अच्छा, आपको पता है ये बहुत बड़ा आदमी है। तो तूने पहले क्यों नहीं बताया? प्रफुल्ल ये बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी, बड़ा आदमी, बड़ा आदमी। सुनो, डॉक्टर साहब ने आपको काट दिया है, लेकिन फिर भी आपको मेरे साले के एग्जीबिशन में आना है, बहुत मजा आएगा। जाग रहा है प्रफुल्ल, जाग रहा है, जाग के जाग। मेरे साले का एग्जीबिशन है, वहां आना है, आपको बहुत मजा आएगा। कितने बजे? पता नहीं मुझे। हाँ, 5 से 10 है, 5 से 10। पहले बताना चाहिए था ना, 6 से 9 को मेरा पिक्चर का टिकट है, और उसके बाद मुझे पार्टी में भी जाने। अरे आप बात क्यों कर रहे हो? क्या देखा, इसे भी नहीं सुनाई दे रहा। मैं कह रही हूँ ना, जोर से बोल, जोर से बोल। सिस्टर एनेस्थीसिया दो मुझे। सिस्टर मैं हूँ ना। नहीं, मैं देता हूँ एनेस्थीसिया। नहीं प्रफुल्ल, एनेस्थीसिया मतलब एनेस्थीसिया। खिचड़ी।